मैक्सिको की लड़की और हरियाणा के लड़के के बीच ऑनलाइन दोस्ती हुई तो लड़की शादी के लिए भारत आ गई। शादी की रस्में पूरी भी नहीं हो पाई कि उससे पहले लॉकडाउन लग गया। 24 अप्रैल को लड़की की मां को वापस अपने देश जाना था, इसलिए रात 8 बजे कोर्ट खुला और शादी हुई। ये अनोखी शादी हरियाणा के रोहतक में हुई। रोहतक के सूर्य कॉलोनी में रहने वाले निरंजन कश्यप की 3 साल पहले मैक्सिकन लड़की से ऑनलाइन दोस्ती हुई थी। निरंजन और मैक्सिकन मूल की लड़की डाना जोहरी ओलिवेरोस क्रूज की दोस्ती 2017 में ऑनलाइन स्पेनिश लैंग्वेज का कोर्स करते हुए हुई। निरंजन ने पहले होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी किया हुआ था, इसके बाद उसने ऑनलाइन लैंग्वेज कोर्स में दाखिला ले लिया। 2017 में वह लड़की से मिलने मैक्सिको भी गया। नवंबर 2018 में लड़की डाना मैक्सिको से टूरिस्ट वीजा पर मां मरियम क्रूज टोरेस के साथ रोहतक भी आई थी। उस समय निरंजन के जन्मदिन पर ही सगाई की रस्मों को पूरा कर लिया गया, लेकिन शादी में नागरिकता अड़चन बनी हुई थी। ऐसे में मंजूरी के लिए जिला मैजिस्ट्रेट के यहाँ पर एप्लीकेशन लगाई गई थी। जिला मैजिस्ट्रेट की ओर से लॉकडाउन से पूर्व शादी पर किसी को परेशानी न हो, इसके लिए पब्लिक नोटिस निकलवाया गया। अब लॉकडाउन के चलते शादी की रस्में अटकी हुई थी। जैसे ही जिला मैजिस्ट्रेट को इसकी सूचना मिली तो रात 8 बजे अपना कोर्ट खुलवाया और शादी हुई। दूल्हे ने बताया कि 24 अप्रैल को लड़की की मां को वापस जाना था, लेकिन अब 5 मई की फ्लाइट की बुक कराई है। दुल्हन डाना ने बताया कि 11 फरवरी को यहां पर मैं अपनी मां के साथ आई थी, सोचा था कि 1 महीने में काम पूरा हो जाएगा, लेकिन लॉकडाउन के चलते सब अटका हुआ था। इसके चलते 24 अप्रैल को जो फ्लाइट बुक की गई थी वह भी बदलकर 5 मई तक करवा दी है। जिला उपायुक्त राजेश वर्मा ने बताया कि रोहतक के रहने वाले युवक निरंजन कश्यप व मैक्सिको की रहने वाली डाना के विवाह कोर्ट मैरिज के अनुसार करवाया गया है। उन्होंने फरवरी में कोर्ट मैरिज के लिए एप्लीकेशन किया हुआ था, सोमवार को इनका विवाह संपन्न करवा दिया गया है। दोनों के पक्ष से दो दो गवाह मौजूद रहे।